एक कहावत है कि लोहे को लोहा ही काटता है, क्योंकि यूपी में अखिलेश की रणनीति को मायावती रौंदती हुई नजर आ रही हैं और सपा का खेल बिगाड़ती हुई भी नजर आ रही हैं। मायावती ने ए पॉलिटिक्स पर दांव खेल दिया है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या अखिलेश के पीडीए पॉलिटिक्स का तोड़ ही ए पॉलिटिक्स है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने में तमाम राजनीतिक दल जुट गए हैं। बहुजन समाज पार्टी और मायावती ने अपनी अलग रणनीति तैयार कर ली है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए पिछले 3 दिनों में मायावती ने 5 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इन 5 में से 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। कहा जाता है कि हर चुनाव में मुस्लिम वोट बीजेपी के खिलाफ रहे हैं। अगर किसी दल से कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है तो ये वोट सीधे सपा को ही जाता रहा। लेकिन जहां भी बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, उसका खामियाजा सपा को भुगतना पड़ा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में देखने को मिला था। यहां बीजेपी प्रत्याशी ने सपा को केवल 1.5 लाख मतों से हराया था, जबकि बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी को 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में भी बसपा की इस रणनीति का असर दिखाई दिया था। बसपा भले ही 403 में से केवल 1 सीट जीत सकी थी, लेकिन सपा को हराने में अहम हो गई थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। बसपा ने इसी औसत से मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा तो सपा बीजेपी के बीच दिख रही सीधी टक्कर त्रिकोणीय हो जाएगी और बसपा भले ही ना जीते, लेकिन सपा की हार तय कर सकती है। फिलहाल यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति के तहत लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारने का अपने प्रत्याशियों को फैसला लिया है। अल्पसंख्यक वर्ग को साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक दल करते दिख रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक महिला और पसमांदा वोट बैंक पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। वहीं सपा की दावेदारी पिछले चुनावों की तरह एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक पर है। वहीं मायावती इस वोट बैंक में अपनी हिस्सेदारी पाने की कोशिश में है। कुछ इसी प्रकार का प्रयास कांग्रेस का भी है। ऐसे में मायावती उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ बढ़त बनाती दिख रही हैं। मायावती ने अखिलेश के पीडीए के जवाब में ए पॉलिटिक्स पर दांव खेल दिया है। ये मायावती का अल्पसंख्यक दांव है, यानी मुस्लिम प्रत्याशियों के जरिए सपा को हराने का दांव, जो विपक्षी गठबंधन की अगुवाई करने वाले अखिलेश की चुनावी मैदान में मुसीबत बढ़ाएगी। खैर, अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट बैंक को लेकर रणनीति पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। यूपी चुनाव 2022 के बाद आजम खान से लेकर इरफान सोलंकी तक के मसले को लेकर अखिलेश को घेरा जाता रहा। अखिलेश अब इस वर्ग को साधने की कोशिश करते रहे हैं। इन मामलों में अखिलेश यादव की चुप्पी पर कई सवाल भी खड़े हुए हैं। दावा किया गया कि मुस्लिम वर्ग सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज है। इस स्थिति में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश अन्य दलों की ओर से की जा रही है, लेकिन अब मायावती इस वर्ग के वोट बैंक पर अपनी हिस्सेदारी जमाने की कोशिश करती दिख रही हैं। ऐसे में उनकी रणनीति अखिलेश यादव पर भारी पड़ सकती है। हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने एक और प्रत्याशी की घोषणा की। मायावती ने कन्नौज से अकील अहमद पट्टा को उम्मीदवार बनाया। इससे पहले 3 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। मायावती ने पीलीभीत से पूर्व मंत्री अनिल अहमद खां फूल बाबू को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले अमरोहा और मुरादाबाद में बसपा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। अमरोहा से मुजाहिद हुसैन और मुरादाबाद से इरफान सैफी को टिकट मिला है। अब तक घोषित 4 प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय से हैं। फिलहाल अभी तो इसे मायावती की खास रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ये अभी भी कहा जा रहा है कि मायावती के इस नए कदम से इंडिया गठबंधन की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि मायावती ने इस बार एनडीए या इंडिया दोनों से दूरी बनाई हुई है। माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने के कारण मुस्लिम वोट सपा और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की ओर जाएगा। ऐसे में मायावती के कारण मुस्लिम वोट बिखरने की संभावना है। आपको याद होगा कि मुस्लिम वोटों को एकजुट रखने के लिए लोकसभा चुनाव 2019 में सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा। इसका सबसे ज्यादा फायदा बसपा को मिला था। वहीं यूपी चुनाव 2022 में मायावती के मुस्लिम प्रत्याशी देने से बसपा को भले ही कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इसका नुकसान सपा को उठाना पड़ा था। ऐसे में मायावती की यह रणनीति सबसे ज्यादा अखिलेश को टेंशन देने वाली हो सकती है। अभी देखने वाली बात होगी
कि ऐसे में अब अखिलेश यादव कौन सी काट निकालते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आगे आने वाले समय में मायावती की यह रणनीति अखिलेश ही नहीं पूरे इंडिया गठबंधन को परेशान कर सकती है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।